नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज अपन देखेंगे एक सांड का बधियाकरण कैसे किया जाता है, बर्डिजो मेथड से बधियाकरण कैसे करते हैं। तो जो लोग नए हैं अपने चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं अपन। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो सांड है उसको प्रॉपरली रीस्ट्रेन करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है इसका, वो इसकी रीस्ट्रेनिंग होती है, जिसको अपन कास्टिंग बोलते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, सांड को गिराना पड़ेगा, ठीक है। तो गिराने के लिए यहाँ पे देखिए रूप्स मेथड काम में लिया जा रहा है, किस तरीके से इसको गिराया जा रहा है यहाँ पे अपन सीख सकते हैं। रूप्स मेथड एक वीडियो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, जिसमें अपन ने सीखा था कि सांड को या गाय को कैसे गिराते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे गिराने का तरीका, रूप्स मेथड, जिसमें रस्सी को किस प्रकार से डाला जाता है और बैल को कैसे गिराया जाता है, वो यहाँ पे सीख सकते हैं। बैल को गिरा दिया गया है, अब इसको प्रॉपरली इसके पैरों को अच्छे से बांधा जाएगा, जिसके बाद में कैस्ट्रेशन को अपन परफॉर्म करेंगे। यह देखिए प्रॉपरली रिस्ट्रेन किया गया है इसको कास्टिंग के लिए, कितने लोगों की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। अच्छे से इसको गिरा के इसके पैरों को बांध दिया जाएगा। एक आदमी इसके सिर पर रहेगा, सिर को दबाने की स्थिति में जानवर खड़ा नहीं हो पाता है। अब देखिए इसको पैरों को बांधने के बाद कैस्ट्रेशन अपन करेंगे। पैरों को अच्छे से बांधना है ताकि कैस्ट्रेटर जो होगा, कैस्ट्रेशन करने वाला, उसको किसी प्रकार की शारीरिक हानि ना हो। वाले दोनों पैर और आगे वाला एक पैर इसको अच्छे से बांध देंगे अपन। तीनों को एक साथ करने के बाद इसका कैस्ट्रेशन अपन करेंगे। अब देखिए ये है बर्डिजो कैस्ट्रेटर फॉर लार्ज एनिमल। बर्डिजो जो कैस्ट्रेटर है, इसे उपयोग में लिया जाता है बड़े जानवरों के लिए, जैसे यहाँ पे सांड के लिए अपन इसका उपयोग करेंगे। सांड के कैस्ट्रेशन के लिए इसका काम में लिया जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है अपने को, प्रॉपरली रिस्ट्रेन के बाद या प्रॉपर कास्टिंग करने के बाद जो स्कोल्टल सैक होता है उसमें टेस्टिस को पालपेट करेंगे और टेस्टिस के ऊपर जो स्पर्मेटिक कोड होती है उसको अपने को दबाना होता है। बॉडी जो कैस्ट्रेटर के बीच में स्पर्मेटिक कोड को लेकर इसको प्रेस कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, स्पर्मेटिक कोड इसकी क्रश हो जाएगी और टेस्टिस को होने वाली ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब बंद हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएंगे, टेस्टिस डीजनरेट हो जाता है और एनिमल क्या हो जाएगा, डोसाइल हो जाता है, जिसका उपयोग अपन खेती में ले सकते हैं। जो उत्तेजना है जानवर की वो समाप्त हो जाएगी और वो अच्छे से खेत में काम कर पाएगा और डोसाइल हो जाएगा, एक तरीके से बिल्कुल पालतू जानवर हो जाएगा वो। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, दोनों टेस्टिस के ऊपर की स्पर्मेटिक कोड को अलग अलग करके क्रश कर देंगे।